वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और प्लस आई के होती है इन्वर्सली। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, मिथाइल का होता है प्लस आई प्रभाव और क्लोरीन का होता है माइनस आई प्रभाव। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और प्लस आई के इन्वर्सली है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, माइनस वाला। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, CH3 इसका होता प्लस आई, क्लोरीन का होता है माइनस आई और फ्लोरीन का भी होता है माइनस आई, पर क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन का माइनस आई अधिक होता है, मोर माइनस आई। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड वाला, फिर सेकंड, और फर्स्ट वाला कंपाउंड सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि इसमें प्लस आई वाला ग्रुप लगा है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर तीन तीन सीएल लगे हुए हैं तो यहां पर होगा मोर माइनस आई, यहां पर दो सीएल लगे हुए हैं तो यहां पर भी माइनस आई होगा, पर फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपेयर में कम माइनस आई होगा। और यहां पर केवल एक सीएल लगा हुआ है तो यहां पर बहुत कम होगा, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं लेस माइनस आई। अब माइनस आई के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जिसमें माइनस आई ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, COOH एसिड वाला ग्रुप और यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है और इसका होगा माइनस आई, यहां पर ये इसके पास लगा हुआ है तो यहां पर इसका माइनस आई होगा मोर। अब यहां पर डिस्टेंस बढ़ गया है तो यहां पर भी माइनस आई होगा, पर फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपेयर में सेकंड वाले कंपाउंड में माइनस आई कम होगा और थर्ड वाले कंपाउंड में डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया तो यहां पर माइनस आई होगा लेस माइनस आई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, उसके बाद सेकंड वाला, और थर्ड वाला कंपाउंड होगा लेस एसिडिक। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, यहां पर लगा हुआ माइनस आई और NO2 का माइनस आई अधिक होता है हाइड्रोजन और मिथाइल के कंपेयर में, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं मोर माइनस आई, हाइड्रोजन का होता है जीरो और मिथाइल का होता है प्लस आई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, फिर सेकंड, और लास्ट वाला कंपाउंड होगा सबसे कम एसिडिक क्योंकि यहां पर प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ और प्लस आई वाला ग्रुप एसिडिटी को कम करता है। यहां पर देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन का माइनस आई और प्लस आई जीरो होता है। अब यहां पर लगा हुआ है प्लस वाला ग्रुप, अब यहां पर दो दो कार्बन आ गए तो यहां पर हो जाएगा मोर प्लस आई। प्लस आई के कारण एसिडिटी कम होती है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहां पर प्लस आई बहुत ज्यादा है। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, तो यहां पर होगा मोर माइनस आई अब यहां पे डिस्टेंस बढ़ गई तो यहां पर भी माइनस आई होगा, पर फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपेयर में कम होगा, यहां पर डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है तो यहां पर होगा लेस माइनस आई।
तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, फिर सेकंड और थर्ड वाला कंपाउंड होगा सबसे कम एसिडिक, क्योंकि यहां पर माइनस आई कम है। इस वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं, यदि अपन इनके कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3CH2 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए अम्ल में से अपने को H पॉजिटिव हटाना रहता है। यहां से H पॉजिटिव अपन हटाते हैं तो यहां पर ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड अब यदि अपन इसमें परसेंटेज एस करेक्टर देखे तो यहां पर आता है 50%, इस वाले कंपाउंड में आएगा 33.3% और इस वाले कंपाउंड में आएगा 25%। अब यदि माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है, माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो वह कंपाउंड अधिक स्थायी होगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ये एसिड है और ये वाला है कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस। जिस अम्ल का कॉन्जुगेट बेस अधिक स्थायी होगा उसका अम्ल भी अधिक अम्ली होगा, तो यहां पर एसिडिटी का ऑर्डर इस प्रकार से बन जाएगा।